मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस से जनता का भाव समाप्त हो चुका है। किसी भी, आपने देखा होगा पूरे उसमें शहीद स्मारक में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के जो नेता थे वो थे, कार्यकर्ता वहाँ पे थे नहीं, ना जनता थी। आपने देखा होगा कि जनता के रूप में उन्होंने हमारे यहाँ के जितने सफाई ठेकेदार हैं उनके पूरे कर्मचारियों को लाके वहाँ पे बैठाया। हम इस बात की निंदा करते हैं कि यदि आपके पास कार्यकर्ता नहीं है तो आप इस प्रकार के कार्यक्रम क्यों करते, क्योंकि कांग्रेस जबलपुर से समाप्त हो चुकी है और मध्य प्रदेश से भी समाप्त होने वाली है। लगातार वो जनता को गुमराह करते हैं। आज आप जनता के पास जाके बोलते हो कि हम 1500 रुपये देंगे, कहाँ से देंगे आप? हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो खुले चैलेंज करके घोषणा की है कि आज हम 1000 रुपये दे रहे हैं, आने वाले समय में 3000 रुपये देंगे। हमको ये सब मालूम था कि ये इस प्रकार की बातें करेंगे, मगर जो हमारी शिकायत है वो जायज़ है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से भीड़ इकट्ठी करने का काम किया है, जनता वहाँ पे आई नहीं, उन्होंने जनता की जगह हमारे कर्मचारियों को बुलाया है, इसकी हम निंदा करते हैं। संगठन से मिलके और हमारे जो जनप्रतिनिधि नहीं हैं उनसे मिलकर इस बात को रखेंगे और उनका जो निर्णय होगा हम उसको करेंगे। बदलाव की बयार तो जनता तय करेगी, और उनकी राष्ट्रीय नेता की कल जो रैली हुई उस रैली में बयार उल्टी बह गई। भीड़ इकट्ठी करने की अलग बात है, जनता स्वयं ही चल के आए उससे कहीं ना कहीं संदेश जाता है। कल उनकी नेता का जो कार्यक्रम था, हर राजनीतिक दल के लोग करते हैं, उनने भी किया, अच्छी बात है, स्वागत है उनका। लेकिन उस रैली में कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को और तमाम तरह की व्यवस्थाएं हुई, तो उससे कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं इस बात की छटपटाहट है। और इतनी बड़ी नेता को लाने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि जबलपुर शहर में कहीं कोई परिस्थितियाँ ऐसी बनी है। वही मैं कहना चाहता हूँ कि कल जिस तरह से उनकी नेता ने बोला, हमारी सरकार पर बोला कि लगातार हमारी झूठी घोषणाएं हो रही हैं, मैं आपके माध्यम से उन्हें चुनौती देना चाहता हूँ कि माननीय शिवराज जी ने जितनी भी घोषणाएं की हैं, स्वयं उनके पिताजी ने, अगर आप सबको याद होगा, कहा था कि हम जो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं वो नीचे जाके कितना बचता है, 25 पैसे बचता है।